ओडिशा के भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी 1994 बैच के ओडिशा कैडर के एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी रही हैं। सारंगी अपनी आईएएस की प्रतिष्ठित सेवा छोड़कर 27 नवंबर 2018 को भारतीय आम चुनाव 2019 लड़ने के लिए भाजपा में शामिल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें बीजू जनता दल के अरूप पटनायक के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। उन्होंने धमाकेदार जीत अर्जित करके भाजपा नेतृत्व के निर्णय को सही साबित कर दिया। अपराजिता सारंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और निर्णय लेने की क्षमता की कायल हैं। वे अपने सरल और सहज अंदाज के लिए आईएएस के दौरान भी जानी जाती थी और अब राजनीति में भी वह घरों में महिलाओं के साथ रसोई घर में भी जाकर बात करती हैं और उनका दुख दर्द बांटती हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एसेट क्रिएशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं की परिकल्पना करके और न्यूनतम समय में धरातल पर उतारकर मानव कल्याण के क्षेत्र में विश्व में इतिहास रच दिया है। अपराजिता के इस वीडियो को @themodestry ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भुवनेश्वर की भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी क्या कह रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एग्जीबिशन किया गया था प्रगति मैदान में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे और वो आए थे हमारे मंत्रालय के प्रदर्शनी में। बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, मनरेगा का भी स्टॉल, बहुत बड़ा स्टॉल लगा था। हम लोगों ने बड़े डेमोज बनाए थे। अचानक प्रधानमंत्री जी सारे स्टॉल्स को छोड़कर मेरे ही स्टॉल पर आ गए और करीबन 20 मिनट तक मेरे ही स्टॉल पर खड़े रहे। स्टॉल पर रह के मनरेगा के विषय में सारे डेमोज को देखा। उन्होंने कहा कि एसेट बनाओ और दूसरी बात उन्होंने कही कि जल संवर्धन और जल प्रबंधन पर ध्यान दो। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इस तरह का डायरेक्शन कभी मिला नहीं था। और उन्होंने बड़ी बात कही कि इतना पैसा मजदूरों को दिया जा रहा है, जो वेंडर्स हैं उनको दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हम सिस्टम करते हैं कि पैसा सीधा उनके अकाउंट में जाए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ये दोनों बातें, एसेट क्रिएशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये मैं 2014 के जुलाई अगस्त की बात कर रही हूँ। उसके कुछ दिन बाद पता चला कि 1 जनवरी 2015 तक हमें ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को रोल आउट करना है पूरे देश में और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम NEFMS। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि प्रधानमंत्री जी दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग हैं।